हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पैशन और फूड पर। आज की मेरी रेसिपी है पनीर लबाबदार, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ज्यादा देर ना वेस्ट करते हुए चलिए बनाते हैं पनीर लबाबदार। उसके लिए हमें चाहिए 3 बड़े आकार के प्याज कटे हुए, 2 मीडियम आकार के टमाटर पनीर क्यूब्स में कटे हुए, धनिया, 1 चम्मच शहद, कुछ पनीर ग्रेट किया हुआ, 2 चम्मच मलाई, कुछ बड़े टुकड़े में अदरक और लहसुन, 1 बारीक चौक टमाटर ड्राई मसाले, यहाँ मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन और कुछ हमारे खड़े मसाले, और उसके साथ ही मैंने लिया है ऑयल। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 1 ग्लास पानी डाला है। उसमें मैं डालूंगी प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन, इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा दालचीनी, लौंग, हरी इलायची और काली मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी काजू और इसको हमें जब तक बॉईल करना है, जब तक कि ये सब सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब सॉफ्ट हो गए हैं। इसको मुझे करने में 15 मिनट लगे हैं। मैं गैस बंद कर रही हूँ, इसको मुझे ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हमें पीसना है। ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम मिक्सर ग्राइंड में डाल के पीसते हैं। ये देखिए पीस के तैयार है, अब इसको हमें छानना है, क्योंकि हमें इसके लिए स्मूथ ग्रेवी चाहिए। इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। प्यूरी हमारी तैयार है। अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं डालूंगी जीरा। जब जीरा अच्छे से भुन जाए तब मैं इसमें डालूंगी बे लीव्स और बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। इसको हमें ज्यादा नहीं भूनना है, ये हमें क्रंची ही रखना है। अब इसमें हम अपनी प्यूरी डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। ये देखिए सब्जी में उबाल आ गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी गरम मसाला और अपना शहद और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी पनीर क्यूब्स और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, करीब 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मलाई और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा ये ग्रेटेड पनीर और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी तैयार है। अब इसमें मैं डालूंगी धनिया फॉर गार्निशिंग ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनके हमारी तैयार है, जो देखने में तो बेहद खूबसूरत लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के बाद, तब तक के लिए बाय।